एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मदर गाया के बारे में। एंड काफ़ी लोग जानते हैं मदर गाया कौन है, बट काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। बेसिकली आज हम लोग एक विश फुलफिलमेंट स्पेल की बात करने वाले हैं जिसमें हम मदर गाया की हेल्प लेने वाले हैं। मदर गाया कौन है, काफी लोग जानते हैं उन्हें मदर अर्थ के नाम से। जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब चीजें हमें किसने दी हैं, मदर गाया ने दी हैं। लकड़ी कहाँ से आई है, मदर गाया। पेड़ पौधे, अगर मदर गाया नहीं होती तो क्या हम होते, क्या हमारा एग्जिस्टेंस होता? नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मदर अर्थ के बारे में एंड इट्स आवर ड्यूटी कि हम मदर गाया को रिस्पेक्ट करें। काफ़ी से लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, बट काफ़ी से लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। हम लोग इवन आप कैसे अपने गेस्चर्स को दिखा सकते हैं, आप प्लास्टिक को यूज़ करना अवॉइड कर सकते हैं। आई नो कुछ कुछ चीज़ों प्लास्टिक अवॉइड नहीं की जा सकती है, बट जहाँ पे आप प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो वहाँ पर प्लास्टिक को अवॉइड करके एक गेस्चर दिखा सकते हो मदर गाया की तरफ रिस्पेक्ट का। या फिर आप जितना पेड़ पौधे लगा सकते हैं ये भी एक बहुत ही स्वीट गेस्चर है मदर गाया की तरफ। तो मदर गाया इज वॉट मदर अर्थ, ठीक है। तो अब हम मदर गाया से किस चीज़ की हेल्प लें। मदर गाया हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम हैं तो वो किसकी वजह से है, मदर गाया की वजह से, मदर अर्थ की वजह से। अगर मदर अर्थ नहीं होती तो क्या हम होते, हम अभी मदर अर्थ पे ही हैं, राइट। सो बेसिकली मदर गाया के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूंगी, आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट सब कुछ है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, आप कोई भी स्पेल वर्क करते हो, मंत्रा करते हो, रिचुअल कुछ भी आप करते हो, आपका ट्रस्ट होना उस सुप्रीम पावर पे सब कुछ है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते, आपका फेथ नहीं है, तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए काम ना करें। ये चीज़ें डाउट पे नहीं चलती हैं। आपका जितना बिलीव स्ट्रांग होगा उस सुप्रीम पावर पे उतना ही अच्छा है आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपके लिए। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में है, दैट्स वाई वी आर हियर। कार्मा है, हम उसे काटने आए हैं, दैट इज ट्रू। बट अगर कार्मा ही नहीं होंगे, कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस नहीं होंगे, तो ईजी लाइफ भी काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो बेसिकली कार्मा ही है जिसकी वजह से हम लोग रीइनकार्नेट होते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं वापस से मदर गाया स्पेल के बारे में। ये बहुत सिंपल सा स्पेल है, आप इसे किसी भी टाइम किसी भी दिन कर सकते हैं। ये स्पेल बेसिकली एक ऑफरिंग भी इंक्लूड करता है, हम डेफिनेटली इसके बारे में जानेंगे। बहुत सिंपल चीज है, आपने क्या करनी है, आपने लेना है पेपर, ठीक है। पेपर पे आपकी जो भी विश है आपने उसे कुछ ऐसे लिखना है, थैंक यू सो मच मदर गाया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हेल्प मी आउट। जो भी आपकी विश है आप उसको आगे लिख सकते हो, ठीक है। ये सिंपली एक मेरा तरीका जैसा मैं करती हूँ, बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप हिंदी यूज़ करते हैं, बंगाली यूज़ करते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आप उस लैंग्वेज में अपनी एफर्मेशन लिख सकते हैं। क्या इसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में होना ज़रूरी है, ये टोटली इस केस में मैटर नहीं करता है। इफ़ यू वॉन्ट आप इसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में कर सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी विद दिस पर्टिकुलर इशू, या फिर आप सिंपली एफर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर गाया, मेरा ये काम हो चुका है। थैंक यू सो मच मदर गाया, मैं हील हो चुकी हूँ। मदर गाया की हेल्प आप डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में ले सकते हो, ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में आप इनकी हेल्प ले सकते हो, ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने में ले सकते हो। मेजरली अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो उस केस में आप मदर गाया की हेल्प ले सकते हो। काफी लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम इनकी हेल्प किस किस सिचुएशन में ले सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। मदर अर्थ बेसिकली क्या है, एक तो हीलिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, आप यू नो किसी डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी चीजें आपके साथ हुई हैं जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप मदर गाया की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज, मटेरियलिस्टिक चीजों को आप मैनिफेस्ट करने के लिए भी मदर गाया की हेल्प ले सकते हो। अर्थ एलिमेंट है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए, फाइनेंसेस में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। जॉब मैनिफेस्ट करनी, इनकी हेल्प ले सकते हो। एग्जाम सक्सेस, इनकी हेल्प ले सकते हो। इफ यू वांट और इफ यू फील कनेक्टेड विद मदर गाया, देन डेफिनेटली आप इनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एंड एक सिंपल सी चीज बोलूंगी, आप इनसे किसी भी टाइप की विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपका जो ये पेपर है आपने इसको फोल्ड करना है एंड इसे सॉइल में गाड़ देना है, ठीक है। सॉइल, अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है आप इसे वहां पे गाड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपकी जो विश है वो पॉजिटिव है, यानी आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या फिर कोई एग्जाम सक्सेस है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव स्पेल आपका है आप उसे अपने घर के पॉट में गाड़ सकते हैं। बट सपोज करें कोई नेगेटिव चीज को आपने रेपल करना है, फिर आप किसी चीज को भगाना चाहते हो, ठीक है, बैनिश करना चाहते हो, कुछ भी है उसे आप अपने घर के गमले में ना लगाएं, ठीक है। हो सकता है कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस हो, कोई नेगेटिविटी हो, तो डेफिनेटली आप उसे अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहेंगे, राइट।
तो इससे अच्छा होगा आप उसे अपने घर के बाहर कहीं पे, घर से दूर या फिर कहीं भी मदर अर्थ में आपने उसको बेरी करना है, आपने उसको गाड़ना है, सिंपल सा आपने ये देखना है। या फिर आप जो भी आपकी विश है, जो भी कुछ भी है, आपने उसको मदर अर्थ में आपने उसको गाड़ देना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, जब आप ऐसा करेंगे, जब आप इसे लिखेंगे इनफैक्ट एफर्मेशन को, आपने अपनी विश को विजुलाइज करते करते इस एफर्मेशन को लिखना है, ठीक है। एंड जब आप इस पेपर को चिट में फोल्ड करेंगे, आपने फिर से अपनी विश को विजुलाइज करना है। एंड जब आप इसको सॉइल में गाड़ेंगे, आपने तब भी अपनी विश को विजुलाइज करना है। अब मेजर चीज यहाँ पे ये है, आपने एक ऑफरिंग प्रॉमिस करनी है, ठीक है। आप कोई भी ऑफरिंग प्रॉमिस कर सकते हो, बट मेजरली जो बहुत ही अच्छी ऑफरिंग है वो ये है, जब आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपने एक पेड़ लगाना है छोटा सा, ठीक है। ये बेसिकली आपकी ऑफरिंग होगी मदर गाया को। ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने ट्राई करी है एंड ट्रस्ट मी बहुत जल्दी काम करता है, मेनली इनफैक्ट किया है। बट एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इट डिपेंड्स, लोग डिफरेंट है, उनके ऑरास डिफरेंट है, उनके नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकते हैं। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपकी जो विश है वो रियलिटी में आएगी। एंड एक और लास्ट टिप मैं देना चाहती हूँ, अगर आप कोई फाइनेंसिस से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपने उस विश के साथ, आपकी चिट है उसके साथ, आपने 1 रुपये कॉइन जो है, आपने जो 1 रुपये का कॉइन है वो भी साथ में गाड़ना है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। एंड ऑफरिंग क्या होगी, जब मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, मैं एक पौधा लगाऊंगी या लगाऊंगा। आपने सिर्फ इतना करना है, ये एक छोटा सा जेस्चर है, ठीक है। या फिर आप ऑफरिंग में ऐसी कोई भी चीज प्रॉमिस कर सकते हो जो मदर गाया को हेल्प करे, कि मैं प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दूंगा, या फिर कुछ भी जो मदर अर्थ को हील होने में हेल्प करे, आप ऐसा कुछ चीज प्रॉमिस कर सकते हो। या फिर सिंपल सी ऑफरिंग है, आपने एक पौधा लगाना है, दैट इज इट। ये ऑब्वियसली हमारे एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, साथ में आपकी विश पूरी होगी, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो प्लीज इसे ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड प्लीज रिस्पेक्ट मदर गाया, कचरा या गार्बेज आप ऐसे रोड पे ना फेंके, लिटरली आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मदर गाया को। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके थ्रू आप मदर गाया को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मदर अर्थ है, मदर गाया है, एंड बहुत अमेजिंग गॉडेस है। अगर आप इनके साथ काम करते हैं, आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी, ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहेंगे। मूड स्विंग्स के इश्यूज अगर आपको बहुत रहते हैं, आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना डेली स्टार्ट कर दें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो डू ट्राई दिस टेक्निक एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। एंड ये जो भी चीज आप करेंगे ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ करें, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय, थैंक यू सो मच।